नमस्कार, स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं हूं रंजिता पठारे और हाजिर हूं आज के न्यूज अपडेट में। कल यानी शुक्रवार की सुबह बहुत ही खुशी भरी थी। गुरुवार को शाम को जब हम सोए थे तब मन में एक दुख छिपाकर सोए थे, एक सवाल छिपाकर सोए थे कि आखिर कब तक ये मामले बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही सुबह उठे, न्यूज चैनल पर सबसे पहली खबर थी कि हैदराबाद के डॉक्टर के दरिंदों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बहुत खुश हुए हम, बहुत ज़्यादा खुश हुए। रात को फिर इसी उम्मीद के साथ सोए थे कि चलो किसी ने तो एक कदम उठाया, कहीं तो न्याय की शुरुआत हुई। शायद इसी एक कदम से, पुलिस के इसी कदम से आगे कुछ नया हो, कुछ बदलाव हो। शायद किसी के मन में खौफ हो, एक इंसान के भी मन में खौफ हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन आज जैसे ही सुबह उठे, रात आधी रात को उन्नाव गैंग रेप की पीड़िता ने दम तोड़ दिया, जिंदगी से हार गई। जिसके आखिरी वर्ड शब्द थे, मैं बच जाऊंगी ना, उस शब्द को याद करते ही दिल सिहर जाएगा, दिल से एक आह निकलेगी कि ये कैसा अन्याय है। एक तरफ तो न्याय हुआ लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा अन्याय। 90% जल चुकी थी पीड़िता, 90%। इसके बाद भी जिंदगी की आस में कि मुझे जीना है, मुझे उन दुष्कर्मियों को सजा दिलानी है, सिर्फ एक आस के कारण 1 किलोमीटर तक दौड़ी। 1 किलोमीटर भागने के बाद खुद पुलिस को कॉल किया, खुद एम्बुलेंस बुलवाई। रास्ते के जो लोग थे चुड़ैल समझ बैठे थे कि जलती हुई लड़की कैसे भाग सकती है। चुड़ैल समझकर डंडा हाथ में रखकर खड़े हो गए थे, पर किसी ने भी उसे नहीं बचाया। आज वो हमारे बीच नहीं रही है। उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत के मुंह में समा गई है। पीड़िता को एयरलिफ्ट करके लखनऊ से दिल्ली भेजा गया था। डॉक्टरों ने बताया था कि उसका शरीर 90% से ज्यादा चल चुका था। अस्पताल के प्रवक्ता उन्नाव रेप पीड़िता के निधन की पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया कि ये बहुत ही क्रिटिकल केस था। वो अंत तक यही कहती रही, मुझे बचा लो, मैं बच जाऊंगी ना। डॉक्टर शलभ कुमार ने बताया कि हमारे बड़े प्रयासों के बाद पीड़िता को बचाया नहीं जा सका। शाम को ही उसकी हालत नाजुक हो गई थी। रात 11:10 पर उसे कार्डियक अरेस्ट आया। हमने इलाज शुरू किया और उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 11:40 तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पीड़िता के शव को मर्चुरी में रखा गया है। अस्पताल में मौजूद पीड़िता की माँ, बहन और उसके भाई को इस बारे में बता दिया गया है। पहले ने भाई से कहा था कि मैं जीना चाहती हूँ। पीड़िता ने यह भी कहा था कि दोषियों को सख्त से सजा दी जानी चाहिए। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक रेप पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी आंतरिक चोट नहीं थी, सिर्फ जलने के साक्ष्य मिले थे। यूपी के IG प्रवीण कुमार ने भी बताया था कि पीड़िता को जलाने से पहले या बाद में चाकू मारने या हिंसा की बात नहीं हुई थी। लेकिन एक सवाल, जो लोग सजा काटने जेल में पहुंच गए वे जमानत पर बाहर आते हैं, जमानत पर बाहर आने के बाद अपनी खुन्नस निकालते, और खुन्नस भी कैसी, खुद के गुनाहों की सजा दूसरे को देकर। जमानत पर बाहर आया वो दरिंदा पीड़िता के शरीर पर मिट्टी का तेल डालता है और उसे आग के हवाले कर देता है। इतना होने के बाद जब वो रोड चालू था, उस पर लोगों का आना जाना चलता था, तब भी उस लड़की को अपनी जिंदगी बचाने के लिए 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा। वो 1 किलोमीटर तक क्यों भागी जब 90% जल चुकी थी, उसके हाथ में फफोले उठ चुके थे, फिर भी वो भागी सिर्फ एक आस में ना कि मुझे बचा लिया जाए। लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। ऐसी न जाने कितनी पीड़िताएं होगी। हम चाहते हैं जैसा हैदराबाद में हुआ वैसा सब जगह हो। पुलिस की ये जो न्याय करने की व्यवस्था थी, न्याय करने का जो इनका फैसला था वो बिल्कुल सही था। जो इसके समर्थन में नहीं है वो सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे कि कितनों को फांसी हुई। कानून प्रक्रिया का हमें मान करना चाहिए, हमें उसे स्वीकार करनी चाहिए। हम भी मानते हैं कि स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल जाए तो फिर कोई भी रास्ता नहीं बचता। कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए, और अब ऐसा ही करना चाहिए। 4 लाख से अधिक मामले हो चुके हैं। 1 फांसी हुई थी मनमोहन सिंह सरकार के समय,
उसके बाद फांसी का नामो निशान नहीं। कितने ही लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई हो लेकिन लटकाया किसी को नहीं। तब से लेकर आज तक 4 लाख से ज्यादा इस मामले में मुकदमे दर्ज है। तो कितनों को फांसी हुई? जो लोग कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें फांसी दी जानी चाहिए, वो बताए कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कितनों को मिली है फांसी? अरे इतना तो ठीक है, निर्भया हत्याकांड जिसको सोचकर ही अंदर से कांप जाए इंसान। उस मामले में भी एक दोषी जो नाबालिग होने का ठप्पा लगाकर बाहर घूम रहा है, सिर्फ 3 साल की सजा काटकर ऐशो आराम करने के बाद निकल गया बाहर, और बाकी अभी भी सरकारी मेहमान बने हुए हैं जिन्हें सरकार अच्छे से जिनकी खातिरदारी कर रही है, और अब कहा जा रहा है कि जल्द ही उन्हें फांसी दी जाएगी। जल्द ही मतलब कि 7 साल बीत गए लेकिन अभी भी जल्द ही, और उनकी याचिका अभी भी प्रधानमंत्री के पास है, दया याचिका। ऐसे लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए। कल ही हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए तो दया याचिका होनी ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा, इसके लिए कानून भी बनना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके साथ ही इस चीज का भी कानून बनना चाहिए कि इन लोगों को सजा कितने दिन के अंदर दी जाए, ना कि सुनाई जाए। आप भले ही 1 महीने के अंदर सजा सुना दे, 4 दिन के अंदर सजा सुना दे, लेकिन सजा देने का प्रावधान जल्द होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, तब जाके खौफ लोगों के मन से बाहर जाए। अभी बेखौफ होकर घूम रहे हैं लोग, बेखौफ होकर। सोचिए इस शोर शराबे में भी हैदराबाद, रांची, बक्सर, बिलासपुर, महू, मंदसौर, इतने सारे मामले के बाद जब लोग सड़कों पर है, शोर मचा हुआ है हमारे देश में, उसके बाद भी इन मामलों पर रोक नहीं लग रही, मतलब कि आरोपियों के इरादे कितने बुलंद हैं, कितने बेखौफ घूम रहे हैं। इस बात को सोचना चाहिए जो लोग हैदराबाद पुलिस के एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं, उन्हें बस एक बार सोचना चाहिए कि ये क्या सही हो रहा है। और आप जब कानून से ही चलना चाहते हैं तो न्याय दिलवाए जितने मामले पड़े हैं उन्हें। आज के लिए इतना ही था, ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए एनएसएन एक्सक्लूसिव के साथ। थैंक यू।